लगता है शर्मा जी के यहाँ बेटी हुई है। क्या बात है, कैसे है वो? खुश है वो, क्या है उनका हाल बेहाल? आओ देखे। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। मीरा मीरा, सारे घर वालों को फोन कर दिया क्या? हमारी बेटी का पहला बर्थडे आ रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाना होगा। ये कहानी नहीं है कल की, ये कहानी है आज की। जहां बेटी की खुशी भी होती है उतनी जितनी होती है किसी बेटे की। कुछ साल बाद मीरा मीरा मम्मी बेटा मीरा एक टाइटल में रखा हुआ है सारा ब्रीफकेस भी नहीं मिल रहा यार, कितनी बार तुमसे कहा है? ऑफिस जाने से पहले ही पूरा सामान सेट कर लिया करो, रोज सुबह का यही नाटक है। आप नाश्ता करिए, मैं लेकर आती हूँ। ये कोई खाना है? रोज रोज वही बना के रखा है, कभी तो कुछ नया बनाया करो यार। शादी करके फंस गया यार, कब छुटकारा मिलेगा इससे? नहीं खाना मुझे कुछ भी। ये क्या रहा? शर्मा जी अपनी बेटी से तो करते हैं प्यार, लेकिन दूसरों की बेटी तक करते हैं क्या? कुछ साल बाद बाबुल की दुआएं लेके जा, तुझे तो सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेके जा, तुझे को सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेके जा, तुझे को सुखी संसार मिले। कुछ साल बाद टिंग टोंग, अभी देखना कौन आया है। टिंग टोंग, देखो ना यार कौन आया है। क्या बनाया? ये क्या, शर्मा जी ने तो था अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, फिर भी ना मिल पाया ये सुख की छाया। जैसा किरादा काम वैसा मिला परिणाम। बेटी ने जो बचपन में देखा था सोचा था वही अपनी जिंदगी में अपना है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब शुरू तो कर दिया अपनी बेटियों को पढ़ाना, बट क्या शुरू किया है अपनी दूसरों की बेटियों को अपनाना? कब बदलेगा ये जमाना, कब बदलेगी ये सोच, कब बदलेगा वो पति जिसके विचारों में है ओझ? अरे कब बदलेगा वो अफसर जिसकी नजर में ही है कोट? कब बदलेगा वो पति जिसने दहेज न मिलने पे मारी थी चोट? आपको क्या लगता है सरकार बदलेगी ये सब? नहीं, बदलना हमें पड़ेगा, आपको मुझको हम सबको। थैंक यू।